अचानक एक हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में आग लगने से लाखों का माल जलकर सुहा हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मोहल्ले वालों की मदद से आग पर काबू किया। आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। संभल के मोहल्ला सराय तरीन में आबादी के बीच दिल शहद का हैंडीक्राफ्ट का कारखाना है। यहाँ हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाने का काम होता है। गुरुवार की सुबह अचानक कारखाने में आग लग गई। गनीमत ये रही कि रात होने की वजह से कारखाने में काम करने वाले मजदूर नहीं थे। जब लोग सुबह उठे तो कारखाने में आग लगी देखी। कारखाने से धुआं बाहर निकलते देख मोहल्ले वालों में अफरा तफरी मच गई। कारखाने के आसपास सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया, किंतु आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मोहल्ले वासियों की मदद से आग पर काबू पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार। राम कुमार जी, आज ये भूड़े मोहल्ले पे आग लगी बिस्मिल्लाह मस्जिद करीब में, क्या मामला है पूरा ये? अभी आग की सूचना गई हमारे यहाँ, तो ये बता रहे हैं पता नहीं किस तरीके से आग लग गई है अचानक। किस तरह सूचना मिली आपको? हमारे लोग फायर स्टेशन गए हमारे वहीं, तो ये फायर स्टेशन गए या कॉल पे आपने रिसीव किया? ये गए यहाँ से, ये नंबर इन्होंने कोई नहीं मिलाया हमारा, खुद स्वयं गए जी। तो आप किस समय पहुँचे यहाँ? तो हम तुरंत ही वहाँ से चल दिए। अभी आग पर नियंत्रण पहले ही पा लिया गया था या आपने पाया? अगर हमने पाया अगर, कैसी आग देखी आपने यहाँ? आग तो काफ़ी जल रही थी। तो क्या कारण था आग का? आग का कारण हैंडीक्राफ्ट का, इसमें सामान लकड़ी वगैरह ये कोई नुकसान तो नहीं हुआ है वैसे? जान हानि का कोई नहीं है। और माल वगैरह कितना नुकसान है? जो भी माल है इनका वही है। कितना बताया उन्होंने? लगभग कितना नुकसान है? 2 लाख रुपए लगभग बताया। क्या नाम है आपका? सरताज। सरताज, आपके कारखाने में आग लगी थी, कैसे लगी है? पता नहीं कैसे लगी है, बुरादा वगैरह से आग लग गई होगी। हैंडीक्राफ्ट का काम हो रहा है यहाँ पे लकड़ी का, जिसमें भाई काम करता है दिलशाद। आपका कारखाना है ना ये? जी हाँ, अपने ही कारखाना। आपको किस समय सूचना मिली कि मेरे ये कारखाने में आग लगी है? फजर की नमाज के लिए उठे तो लोगों ने कहा तुम्हारे कारखाने में आग लग गई है। 10,000 पोस्टर तैयार थे ये। अच्छा। और फोटो फ्रेम भी थे कुछ यहाँ पर तैयार हमारे। किसका माल तैयार हो रहा था ये? बाप हामिद हुसैन का और अतीक भाई का। अच्छा, माल तैयार था आपका? माल तैयार था, बस जाने की तैयारी में लगा हुआ था।